दोस्तों कहते हैं ना कि जो चीज ज्यादा होती है उसकी कदर कम हो जाती है। ये बातें दोस्तों घरों के अंदर अब आम देखने को मिलती होंगी और इसी के साथ दुनिया के देशों के अंदर भी ये बातें आम हो गई हैं। पाकिस्तान को दुनिया के देशों की एक सपोर्ट तो बहुत मिली हुई है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के उन देशों की कदर नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि इमरान खान के कार्यकाल में अमरीका वालों की कोई कदर नहीं थी, दूसरी तरफ रशिया और चाइना की पूरी कदर थी। आज के समय में पाकिस्तान की सरकार बदली है तो रशिया और चाइना वालों की कदर कम हो गई है और वेस्टर्न कंट्रीज वालों की और शेखों की कदर, खासकर शेखों की कदर ज्यादा हो गई है। दोस्तों आज पाकिस्तान कई देशों की कदर घटाता है, उसकी एवज में कई डॉलर लेकर आता है। उदाहरण के तौर पर आप सऊदी अरेबिया के एग्जाम्पल को ही देख लीजिए। सऊदी अरेबिया ने इमरान खान के काल में अपने पैसे निकलवाने के लिए एक इनकी सरकार को बोल दिया था और पाकिस्तान ने भी चीन से पैसे उठाकर सऊदी अरेबिया के मुंह पर पैसे दे मारे थे, लेकिन दोस्तों वो पैसे और वो राजशाही थोड़े दिन ही चली, फिर पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के पास लोन लेने के लिए जाना पड़ा। वहां की सरकार बदली, शहबाज शरीफ आए और फिर जो प्रक्रिया है वो बदली और फिर दोस्तों अब सिचुएशन ये है कि सऊदी अरेबिया को अपने पैसे वापस चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का जो रिजर्व है 7.4 बिलियन डॉलर का रह गया है और दूसरी तरफ अगले महीने ही इन्होंने 1 बिलियन पाउंड, इसी महीने ही इन्होंने 1 बिलियन पाउंड की पेमेंट भी करनी है। लेकिन दोस्तों इस मुश्किल की घड़ी में चाइना ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया ने अभी हाथ नहीं खड़े किए हैं। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को आज खुशी की खबर दे दी है और बेसिकली खबर क्या है आपके सामने चल रही है। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से 3 बिलियन डॉलर उधार लिए थे और वो जो रकम है वापस देने की एक बात सामने आ रही थी, लेकिन सऊदी अरेबिया ने इसकी जो डेट है एक्सटेंड कर दी है और वो पैसा जो है पाकिस्तान के लिए पड़ा रहने वाला है। खैर पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि पैसों की तंगी के चलते IMF के साथ भी इनकी 9वें लेवल की बातचीत होने वाली थी, वो भी अभी शुरू होगी और उस शुरू होने के बाद इन्हें 6-7 बिलियन डॉलर का जो पैकेज है उसको लेकर भी हरी झंडी देखने को मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, घटते हुए रिजर्व के साथ साथ उनकी माली हालात भी इतनी अच्छी नहीं है और देश के अंदर एकजुटता भी नहीं है, जिस कारण से ये एक बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए। खैर दोस्तों क्या कहना चाहोगे, पाकिस्तान को शेखों की कदर तो जरूर करनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान में कितने भी भूचाल क्यों ना आ जाए, क्योंकि हर मुश्किल की घड़ी में शेख इनके साथ ही खड़े होते हैं।